तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, मैं चित्रांश दादिच, आप सभी का फ्रेंड एंड कंपेनियन, आज के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज गाइज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की थर्ड पोएट्री, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। बिल्कुल चुप रहना है। तो कीपिंग क्वाइट जो है उसे लिखने वाले हैं हमारे पैब्लो नेरुदा, और पैब्लो नेरुदा जो है उन्हें 1971 के अंदर साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था। तो पैब्लो नेरुदा जो है वो इस कविता में हमें क्या बताना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। भाई हम तो टीनेजर्स हैं और हम लोगों का तो बोलने का हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। भाई टेंथ क्लास के अंदर पढ़ा था ना एने फ्रैंक वाले चैप्टर के अंदर कि भैया टीनेजर जो है वो तो बोलते ही रहते हैं, बोलना तो उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है उनके नेचर का। तो गाइज यहाँ पर कवि हमें चुप रहने के लिए, पोएट हमें शांत रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर शांत रहने का मतलब चुप रहना है और स्थिर रहना है, मानसिक तौर पर, वाचिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कुछ समय के लिए शांत होने के लिए यहाँ यह कविता हमें सजेस्ट करती है। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कवि हमें ऐसा सजेशन दे रहे हैं। तो आइए गाइज बिना किसी देरी के अपनी इस कविता को, अपनी इस पोएट्री को समझना शुरू करते हैं। तो जहाँ कविता हमारी शुरू होती है, शुरू होते ही हमारे कवि कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा। कितने तक गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैं 12 तक गिनूंगा, आप सभी लोग बिल्कुल चुप होकर के बैठ जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, और आप ना तो कोई भाषा बोलेंगे और ना ही अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे, यानी कि वाचिक तौर पर और शारीरिक तौर पर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। अब ये कवि हमें जो यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम भाषाएं बोलते हैं तो दुनिया में बहुत तरह की भाषाएं, हजारों हजार भाषाएं हैं दुनिया में, और जब हम अलग अलग भाषा बोलते हैं तो हम लोग भाषा के आधार पर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और साथ ही साथ अपने हाथ पैरों को, यानी कि अपने जो भी आप लोग आपस में युद्ध कर रहे हो उसमें जो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हो, जो वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उनका इस्तेमाल करना छोड़ दो, भाषाओं को छोड़ दो, हथियारों को छोड़ दो, जमीन पर, धरातल पर मेरे साथ कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत होकर के आप लोग बैठ जाओ। और अचानक से आप लोग महसूस करोगे कि ये जो क्षण आया है ये बहुत ही शांति से भरा हुआ एक शानदार और अद्भुत क्षण है, बहुत ही ज्यादा अद्वितीय, जैसा आपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया होगा। एक अजीब सी, एक अलग तरह की साथ या यूनिटी को आप यहां पर महसूस करेंगे कि कैसे अब तक हम लोग एक दूसरे से अलग अलग थे, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, देश के नाम पर, जेंडर के नाम पर, अलग अलग आधारों पर हम लोग बटे हुए थे, लेकिन अब जैसे ही हमने युद्ध करना रोक दिया है, अब हम एक दूसरे से युद्ध नहीं कर रहे हैं, बिना कोई भाषा बोले चुपचाप शांति से एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो एक अलग तरह का साथ या यूनिटी हमें महसूस हो रही है कि यार हम तो कभी अलग थे ही नहीं, आप, मैं, ये पास वाला, ये बाजू वाला, ये हम सब लोग इंसान ही हैं और एक जैसे ही थे, ना जाने अब तक हम लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे थे। ऐसा एहसास, ऐसा अद्भुत विचार आपको वहां पर महसूस होगा, एक ऐसा क्षण, एक ऐसा समय जिसमें ना यंत्रवत जीवन होगा, ना आसपास मशीनों के चलने की आवाज, ना कोई शोर शराबा, कुछ भी नहीं, मानव का मानव के साथ थोड़ी देर का समय जो बिल्कुल शांति को दर्शाता है और आपके जीवन को, आपके मन को अत्यधिक आनंदित करता है, ऐसा समय और ऐसा क्षण आप वहां पर महसूस करेंगे। और जब हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, साथ में शांत बैठे होंगे बिल्कुल, उसी समय में हम नोटिस करेंगे कि जितने भी मछुआरे हैं जो ठंडे समुद्र में जाकर के मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं, वो भी उन मछलियों को हानि पहुंचाना, यानी कि जो भी आपके जलचर जीव हैं या नभचर जीव हैं या आपके भूचर जीव हैं, जिनका लोग शिकार करते हैं चाहे खुद के पोषण के लिए और चाहे आर्थिक फायदे के लिए, जिस तरीके से प्रकृति को वो और प्रकृति की जैव संपदा को वो नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी वो उस नुकसान को पहुंचाने से रुक जाएंगे। और इतना ही नहीं कि केवल प्रकृति को या प्रकृति की जैव संपदा को ही नुकसान करवा रहे हैं, बल्कि जो व्यक्ति नमक बनाता है सागर के किनारे, जब वह अपने हाथों को देखेगा
तब उसे पता चलेगा, क्योंकि नमक इकट्ठे करते हैं तो फिर हाथ सबके फट जाते हैं, हाथों में कट्स लग जाते हैं। तो जब वो उन चीज़ों को देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई अपने जीवन को एकाकी तौर से जीते हुए न केवल मनुष्य दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि खुद के नुकसान पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो उस शांत क्षण में वह नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति भी अपने हाथों की ओर देखेगा और उसे पता चलेगा कि एक आजीविका चलाने के लिए वह स्वयं का भी कितना नुकसान कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे कवि जो हैं वे उन लोगों को भी संबोधित करते हैं जो कि ग्रीन वॉर शुरू कर देते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुँचाते रहते हैं, गैसेस से वॉर लड़ते हैं, ऐसे ऐसे युद्ध लड़ते हैं जिन युद्धों से कुछ भी उन्हें हासिल नहीं होने वाला। विक्ट्री विदाउट सर्वाइवर्स, यानी कि एक ऐसी जीत वो हासिल करने की कोशिश करते हैं जिस जीत का जश्न मनाने के लिए कोई जिंदा ही ना बचा हो। बिल्कुल ये लाइन पढ़ते ही मुझे सम्राट अशोक की याद आ गई, जहां पर सम्राट अशोक पूरे विश्व को विजय करने के लिए जाते हैं। कलिंग युद्ध के बाद जब वे जाकर के युद्ध भूमि का दृश्य देखते हैं तब उनके दिल में यही बात आती है कि मैंने किस चीज के लिए युद्ध लड़ा, इन लाशों के लिए या इस खून के तालाब के लिए? मैंने क्या इन चीजों के लिए युद्ध लड़ा था? क्या युद्ध के बाद नतीजे में मैं यही सब चीजें चाहता था? तब उन्हें एहसास होता है कि वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे। तो यहां पर हमारे कवि जो है वह भी यही बताते हैं कि आप जीत तो जाओगे लेकिन ये कैसी जीत है जिसमें लोग जीवित ही नहीं बचे, लोग जो है अपने प्राणों को त्याग चुके हैं, ये किस तरह की जीत है और ऐसी जीत के लिए कोई भी युद्ध क्यों करना चाह रहा है? इससे अच्छा तो ये होगा कि हम सभी साफ सुथरे कपड़े पहनकर बढ़िया पेड़ों की छायाओं में सभी को अपना भाई मान करके उनके साथ शाम के समय आराम से बगीचे में टहलते रहें और प्रकृति का आनंद उठाएं। तो युद्ध करना ज़्यादा बेहतरीन है या फिर अपने भाइयों के साथ बिल्कुल साफ सुथरे, अपने भाई मतलब जितने मनुष्य हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जितनी भी ये वसुधा है, जितनी भी भूमि है, यह पूरा का पूरा मेरा परिवार है, इसमें रहने वाले सभी लोग मेरे भाई बहन हैं, इसी विचारधारा से अगर हम बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनकर बिल्कुल स्वच्छ होकर के अगर हम अपने जीवन को जीते हैं तो निश्चित तौर पर हम अच्छे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हमारे कवि हमें बताते हैं कि भैया मैं शांत रहने के लिए जरूर कह रहा हूं, मैं निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा। यानी कि शांत होना, स्थिर होना अपने आप में अलग मनोदशा है और पूरी तरीके से पैसिव हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, एक बच्चे ने 12th क्लास वाले ने पोएट्री पढ़ ली कि भैया शांत रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, हाथ पैरों को नहीं हिलाना चाहिए, कोई भाषा नहीं बोलनी चाहिए, सुबह से शाम तक बिस्तरों में पढ़ा है। मैंने जाके पूछा बेटा क्या हो गया, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? नहीं सर, वो पैबलो अंकल ने बोला था, बोले कि स्थिर रहना है, स्टिल रहना है, तो मैं बस बिस्तर पे सुबह से स्टिल ही हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहीं पे पढ़ा हूं, यहीं पे सो रहा हूं। तो स्थिरता को, स्टिलनेस को हमें इनएक्टिविटी यानी कि निष्क्रियता से या पैसिवनेस से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि पैसिव होना, किसी भी व्यक्ति का निष्क्रिय होना, उसके जीवन में जो भी कार्य करना उसके लिए आवश्यक है, अगर उन कार्यों को छोड़ करके वह निष्क्रिय होकर बैठ जाता है तो यहाँ पर निष्क्रियता की तुलना हमारे कवि सीधे तौर पर मृत्यु से कर देते हैं कि इनएक्टिवनेस जो है वो तो कंप्लीटली डेड है, यानी कि वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है जो पूरी तरीके से निष्क्रिय है। तो हमें शांत होना है, स्थिर होना है, मानसिक तौर पर हमें शांत होना है, स्थिर होना है भावनात्मक तौर पर, लेकिन हमें निष्क्रिय नहीं होना। हमारे जीवन के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन हमें इसके साथ में करना चाहिए। आगे पैब्लो नेरुदा हमें क्या कहते हैं कि ये जो एकांकी जीवन हम जी रहे हैं, एक ही दृष्टिकोण से जीवन जी रहे हैं, बस भैया मुझे क्या करना है, मुझे तो अपनी लाइफ जीनी है, मुझे तो अपना पैसा कमाना है, और इसी तरीके से एक गोल 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 चक्कर में जिस तरीके से एक ही बात दिमाग में रखकर सिंगल माइंडेड होते हुए हम अपना जीवन जी रहे हैं, उसमें हमें कभी ये मौका ही नहीं मिलता सोचने का या समझने का कि हम या हमारा जीवन वास्तविकता में किस दिशा में जा रहा है और जिस दिशा में जा रहा है क्या वो दिशा सही भी है या नहीं है। तो ये जो शांति है, ये जो स्थिरता है एक क्षण की, आपको ये सोचने का मौका देगी। और खास करके व्यक्ति जो अपने आप को डराते रहते हैं, अरे ये काम कर लो पता नहीं कब मर जाए, अरे ये काम कर लो पता नहीं कब मर जाए, तो ये जो जीवन है
और जीवन के साथ चलने वाला निरंतर मृत्यु का भय है, उससे भी आपको ये स्थिरता बाहर निकालती है जब ये एक क्षण आपको देती है सोचने का कि आप एकांकी होकर के किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। जीवन के मूल उद्देश्य कुछ और हैं, लेकिन अधिकांशतः मनुष्य धन को या उपलब्धि को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान करके एकांकी होकर के उस दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनसे पैब्लो नरुदा कहते हैं, अरे भैया 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, शांति से सोच लो, समझ लो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसके बाद अपनी अगली यात्रा पर निकल जाओ। और अगर तब भी बात समझ में नहीं आ रही कि भैया 2 क्षण के लिए रुक जाओ फिर आगे की यात्रा करना, अगर तब भी बात समझ में नहीं आ रही, तो भैया पृथ्वी को देख लो, अर्थ को देख लो आप। द अर्थ जो है, यानी हमारी पृथ्वी जो है, जब हम वहां पर बीज बोते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, भैया मिट्टी है, मिट्टी के नीचे बीज दबा हुआ है। सामने से देखने पर क्या दिखता है, पूरी की पूरी निष्क्रियता, कि भैया कुछ भी नहीं हो रहा, बीज में तो कुछ भी नहीं हो रहा, पौधा भी नहीं निकल रहा। और जब वो बीज वहीं पर और पृथ्वी वहीं पर कुछ समय के लिए स्थिर रहती है और कुछ समय के बाद जाकर के हम उस धरती को देखते हैं, तो पूरी हरियाली से भरी हुई होती है, हरी भरी लहलहाती हुई धरती हमें वहां पर दिखाई देती है। यही ताकत है स्थिरता की। तो स्टिलनेस या फिर इनएक्टिविटी, इन दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्थिर होने का अलग तात्पर्य है और निष्क्रिय होने का अलग तात्पर्य है। यहां पर कवि निष्क्रियता की तुलना मृत्यु से करते हैं। इसके बाद कवि कहते हैं कि अब मैं फिर से 12 तक गिनूंगा और आप सभी लोग यहां इसी प्रकार से स्थिर बैठे रहेंगे और मैं यहां से चला जाऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि यहां पर 12 तक गिनने का मतलब क्या है, भैया एक घड़ी हमें कितने बजे से कितने बजे तक का समय बताती है, 1 से 12, ठीक है। तो दिन के 1 से 12 हमें स्थिर रहना है, रात के 1 से 12 हमें स्थिर रहना है, उसके अलावा 12 महीने हमें स्थित रहना है, ठीक है, कि 12 के 12 महीने जो है ना, उसमें भी हम लोग मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर इसी प्रकार से स्थिर बने रहेंगे। यानी कि जहां पर भी हम लोगों के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, उन चीजों को हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे और हमेशा के लिए स्थिर रहेंगे। और लास्ट में पैब्लो नेरुदा कहते हैं, आई विल गो, यानी कि आप लोग इसी प्रकार से स्थिर बने रहेंगे, आज नहीं आने वाली पीढ़ियों तक, सदियों तक, और मैं चला जाऊंगा। तो इसी प्रकार से पैब्लो नेरुदा हमें यहां पर कीपिंग क्वाइट, यानी कि शांत रहने के महत्व को बताते हैं। तो गाइज, ये हमारी पोएट्री है जिसके बारे में हम लोगों ने जाना, सीखा कि कुछ क्षण या कुछ पल की स्थिरता जो होती है वह हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें सहयोग करती है। मेरा निजी अनुभव इस बारे में यह कहता है कि भैया जब सब अच्छा चल रहा हो, तब भी 10 मिनट के लिए एक कोने में चुपचाप शांत बैठ करके सोच लो कि भैया सब अच्छा चल रहा है तो कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, अच्छा चलने में किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। और जब सब बुरा चल रहा हो, तब भी 10 मिनट के लिए कोने में बैठ जाओ, शांति से सोच लो, समझ लो, और जीवन का मार्ग आप खुद ही प्रशस्त कर पाएंगे। अधिकांश बच्चों को मैंने देखा है, दूसरों से पूछते रहते हैं, यार इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आते क्या करूं, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते क्या करूं। एक बार के लिए मेरी बात मान करके, इस पोएट्री की बात मान करके, आज के लिए एक बार 10 मिनट अपने कोने में चुपचाप शांति से आंख बंद करके बैठ जाना, जितने आपसे सवाल हैं खुद से वो सवाल पूछना, 99.99% क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद को पता है। बस आप ये चाहते हो कि जो आपके मन में उत्तर है वो कोई और आपसे बस कह दे। वास्तविकता ये है, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपके पास है। दैट्स द पावर ऑफ कीपिंग क्वाइट। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।